हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे रियलमी सी 12, 15, 17, रियलमी सी 20, सी 25, जितना भी रियलमी का सी सीरीज है उसमें अगर आपका चार्जिंग नहीं हो रहा है और आपका चार्जिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, आपने चार्जिंग पिन जो है रिप्लेस कर लिया उसके बाद भी जो है आपका चार्जिंग नहीं हो रहा है, तो आप उसको कैसे जम्पर करके सोल्यूशन कर सकते हो, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपका इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर आपका रियलमी का C12, C15, C17 अगर उसमें अगर चार्जिंग नहीं हो रहा है तो आप उसको कैसे जंपर करके सोल्यूशन कर सकते हो, मतलब कहां से कहां तक जंपर कर सकते हो। तो मैं आपको डायरेक्ट कंटिन्यूटी में दिखाऊंगा कि एक्चुअली मैं कैसे कहां से कहां तक जंपर लगा सकते हो। आप लोग जानते हो चार्जिंग में एक जो होता है ग्राउंड होता है और एक जो होता है आपका जो मतलब पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो देखिए ये जो है उसका ग्राउंड है, आप देख सकते हो ये जो है ग्राउंड है और ये जो है उसका पॉजिटिव पॉइंट है, आप देख सकते हो। तो ये वाला पॉइंट जो है कहाँ तक गया है, आपको ये वाला पॉइंट अगर आपका इधर पॉइंट जो है शो नहीं कर रहा है, वैल्यू अगर शो नहीं करा रहा है तो आपको क्या करना है ना, ये वाला पॉइंट में ये जो जगह है अब दिख रहा है, ये जो जगह में आपको लगा लेना है। देखिए ये जो जगह है आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये जगह में आपको मतलब पॉइंट को शॉर्ट करा लेना है, मतलब इधर से ये जगह से और ये जगह में एक जंपर लगा लेना है। आपको दिख रहा होगा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट में चार्जिंग का पॉइंट जो ये वाला पॉइंट है, इधर से इधर आपको एक जंपर लगा लेना है। देने से क्या होगा ना, आपका जो ये पॉइंट है 100% परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको इधर दिखाता हूँ, क्योंकि इस मोबाइल में मेरा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए इधर जो है आपको वैल्यू शो करा रहा है, दिख रहा है, तो ये वाला जो है इधर से ही गया है। तो अगर आपका चार्जिंग नहीं हो रहा है, आपका अगर मतलब वाटर डैमेज हुआ था या तो कुछ भी प्रॉब्लम था, ये अगर फ्लेक्स अगर ख़राब हो चुका है, तो आप इसको क्या करना है ना, इधर से इधर तक एक जंपर लगा लेना है। और अगर आपका ये वाला लगाने के बाद भी आपका चार्जिंग मतलब मोबाइल बंद करने से ही चार्ज हो रहा है, ऑन करने से चार्ज नहीं हो रहा है, तो आपका ये जो दोनों ट्रैक है ये दोनों ट्रैक मिसिंग होता है। तो आपको ये दोनों ट्रैक कहाँ लगाना है, देखिए मैं आपको इधर दिखाने की कोशिश करूँगा। इधर पॉइंट रखा और इधर जो है आप देख सकते हो ये वाला जो है सेकंड पॉइंट है, प्लस का बगल में जो सेकंड पॉइंट है ये वाला, ये जो है ये वाला पॉइंट है, आपको देख सकते हो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट उसका सेकंड पॉइंट है। अगर आपका मतलब ऑफ करने से ही चार्ज होता है, ऑन करने से चार्ज नहीं होता है, तो आपको इधर से जो है सेकंड पॉइंट से ये वाला पॉइंट को जंपर लगा लेना है। और उसके बाद अगर थर्ड पॉइंट नहीं आ रहा है तो थर्ड पॉइंट जो है ये वाला में जंपर लगा लेना है, ये थर्ड पॉइंट से इधर जो है जंपर लगा देना है। आपका 100% चार्जिंग का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका ये वाला फ्लेक्स अगर ख़राब है, अगर आपका चार्जिंग नहीं हो रहा है, तो ये वाला फ्लेक्स चेंज करने का जरूरत नहीं है, आप इधर से तीन जंपर लगा के आप जो है इसका रिपेयर कर सकते हो और आपको इसको ठीक भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे क्या जंपर सोल्यूशन करना है। जंपर लगाने से पहले अगर आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, मैं आपको पहले सजेस्ट करूँगा, पहले अपना चार्जिंग पिन जो है रिप्लेस करा लेना है, क्योंकि चार्जिंग पिन खराब होने से ही चार्ज नहीं लेता है। और अगर चार्जिंग पिन आपका सही सलामत है तो आपको ये वाला जो सॉकेट है, आप ये देख सकते हो ये वाला और ये वाला, इसको भी थोड़ा अच्छा से ब्रश से साफ कर लेना है, थिनर लगा के अच्छा से साफ करके इसको पहले कनेक्ट कर देना है और कनेक्ट करके देखना है। अगर इस दोनों में से नहीं होता है तो तीसरा उपाय ये जो है आप जंपर लगा के इसको फिक्स कर सकते हो, आपको दूसरा कहीं पर कुछ करने का जरूरत नहीं, आराम से इधर तक आप जंपर लगा सकते हो, आपका 100% प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे ऐसे मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।